जोधपुर में रांची के बिजली दफ्तर के सामने कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नागरिकों द्वारा धरना देकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है बिजली विभाग अनाप शनाप बिल भेज रहा है, बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है और बेवजह बिजली काटी जा रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने चेतावनी दी है, बिजली विभाग के अफसरों को और इस विभाग की करतूत को वह पहले भी स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा बेनकाब कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिजली विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को इस तरह ही परेशान किया, जाति बंद नहीं की, तो प्रदेश व्यापी आंदोलन कर विरोध किया जाएगा। लाइट गोल हो जाती है और अगर कोई व्यक्ति जो सामान्य परिवार का है या कमजोर है, वो किसी कारण अगर बिल नहीं जमा कर पा रहा है तो उसको बिना नोटिस दिए उसकी लाइट काट दी जाती है। आम जनता बड़ी परेशान है, अगर मीटर खराब हो गया है, ये उपभोक्ता को तो नहीं मालूम मीटर खराब हो गया, जो रीडिंग हर महीने करने आते हैं वो उनको ये जानकारी होना चाहिए, अब वो रीडिंग कर रहे हैं कि मीटर सही है कि खराब है। लेकिन जब ये पाया जाता मीटर खराब है तो एक बड़ा अमाउंट मर देते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यही सारी समस्याएं और ख़ास तौर पर रांझी क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है, बिजली बिलों की समस्या है। अब तो पेपरलेस बिल कर दिए हैं, अब लोगों को पता ही नहीं है, मोबाइल अगर किसी के पास नहीं है तो वो कैसे बिजली का बिल भरे, अगर मोबाइल पे आ भी रहा है तो जानकारी कैसे करो। और जो ये अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये आम जनता से तो बात ही नहीं कर रहे हैं और ये सब नाकामी है भाजपा सरकार की और कैंट क्षेत्र के विधायक की, जो निष्क्रिय हैं, आम जनता की ओर जिनका ध्यान नहीं है और लगातार कांग्रेस के लिए प्रदर्शन कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल आता था और आज ऐसा क्या हो गया, शिवराज जी की सरकार आते ही करंट मानने लगा बिजली का बिल। ये सब भ्रष्टाचार भाजपा ने बनाया हुआ है। जो विधायक खरीदे थे अब वो पैसे कहाँ से वसूले जाएं, तो ये आम जनता की जेब काट के ये पैसों की भरपाई भाजपा सरकार कर रही है और ये अधिकारी भाजपा सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। इन सारी बातों को लेके हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया और ये धरना प्रदर्शन सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, अब पूरे कैंट क्षेत्र में हर बिजली दफ्तर के सामने होगा, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ों पर हम सभाएँ लेके आम जनता को जागृत करेंगे और जागृत के साथ साथ राहत भी दिलाने का प्रयास करेंगे आम जनता को, जो ये भाजपा की सरकार के नेतृत्व में ये कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन सारी लड़ाई हम आम जनता के लिए कांग्रेस के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या मांगे? देखिए, मांगे तो अनगिनत हैं। बिजली विभाग के द्वारा इस तरीके का लूट और आतंक का माहौल समूचे मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है कि आम बिजली उपभोक्ता जो है वो डरा सहमा सा है। आज जबलपुर में प्रत्येक फीडर पर बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा 100-100 चोरी के प्रकरण बनाने का टारगेट दिया जाता है और अगर कहीं पर चोरी नहीं पाई जाती है तो लोड बढ़ाने के नाम पे कि आपका लोड कम है लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसके नाम पे चोरी का प्रकरण बनाया जाता है और उस आदमी को सरे बाजार सरे मोहल्ले जलील करने का काम किया जाता है। एकाएक आदमी की बिजली काट दी जाती है, बल्कि और उसके विपरीत विद्युत प्रदाय संहिता में साफ तौर पर उल्लेखित है कि अगर आपको किसी उपभोक्ता की बिजली की सप्लाई अगर रोकनी है तो पूर्व में आपको नोटिस देना पड़ेगा। आज जबलपुर में 78 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो TC मीटर पे चल रही है। ऐसे अनेक मामले चोरी के प्रकरण बिजली विभाग के आला अधिकारियों के हम लोगों ने पकड़े, जहां पर CMD, MD, सचिव ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर बिजली महकमे को ईमानदारी से चलाने की जवाबदारी है, उनके द्वारा चोरी की जा रही, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर आज जबलपुर में रांझी में हम लोगों ने धरना दिया है और आप देख रहे हैं किस तरीके से आम जनता आके यहाँ पर अपनी समस्याएँ बता रही है। जहाँ पर एक तरफ बिजली विभाग उन बातों का प्रचार करता है जो उनके पक्ष की हो, वहाँ पर उन बातों को छुपाता है जो आम कंज्यूमर के पक्ष की हो। आज जबलपुर में सिटी सर्किल लेवल पर एक कंज्यूमर फोरम गठन करने का प्रावधान है, मगर सिटी सर्किल के द्वारा वो आदेश जारी करके सार्वजनिक किया जाता है कि ये 7 सदस्यीय समिति है जो आम बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करेगा। उसमें से जो 5 सदस्य हैं उनसे हम लोगों ने बात करी, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई है शहर में, उन 5ों को पता ही नहीं है कि वे समिति के सदस्य हैं। आज जो कंपनी लेवल का जो कंज्यूमर फोरम है उसमें 7 व्यक्ति होने चाहिए, जिसमें से 5 जो हैं आम बिजली उपभोक्ता होने चाहिए, मगर वहाँ पर सिर्फ 3 कंपनी के अधिकारी बैठ के आम जनता के निर्णय करती है, कंपनी के पक्ष में करती है और इस प्रदेश की जनता को चोर साबित करती है। ये तमाम मुद्दे हैं
जिनको लेके आज हम लोग रांची में यहाँ पर धरना कर रहे हैं। साथ ही साथ में बिजली संबंधी जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं उनका भी निराकरण किया जा रहा है। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।